इलाहाबाद के फूलपुर में लोकसभा उपचुनाव का प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने खेला हिंदू कार्ड, जुमा और होली को लेकर बयां किया अपना नजरिया। कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। इलाहाबाद में सीएम योगी के सामने यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दिया विवादित बयान। अपनी सियासी रामायण में मुलायम को रावण, अखिलेश और मेघनाथ और मायावती की रावण की बहन से तुलना की। हमारा क्या होगा, आपने मेरे पूरे संपूर्ण परिवार का नाश कर दिया, अब मेरा क्या होगा। भगवान राम बोले तुम भी कलयुग में मेरी अयोध्या पर राज करोगी, उस समय तुम्हारा नाम मायावती होगा, परंतु विवाह उस समय भी तुम्हारा नहीं होगा। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बीजेपी की सियासी रामायण के किरदार में पीएम मोदी को राम और सीएम योगी को हनुमान बताया। केजरीवाल की मारीच से की तुलना। इस दौरान मोबाइल देखते हुए मुस्कुराते रहे सीएम योगी। मैं कलयुग में नरेंद्र मोदी के रूप में आऊंगा और योगी आदित्यनाथ हनुमान के रूप में आएंगे। प्रभु बोले तुम भी मावया भी ड्रामेबाज धोखेबाज रहोगे और लोग तुम्हें केजरीवाल के नाम से जानेंगे। बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए 25 साल बाद साथ आए एसपी बीएसपी। गोरखपुर फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में मायावती नहीं उतारेंगी अपना उम्मीदवार। हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस उपचुनाव में भी इन दोनों लोकसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतारे। राज्यसभा जाने के लिए मायावती ने की एसपी से डील, बदले में विधान परिषद में एसपी को मिलेगा हाथी का साथ। आज से शुरू हो रहा है संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के आसार। पीएनबी घोटाले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी, नीरव मोदी को लेकर भी मोर्चे बंदी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बदला लेने की सियासत कर रही है सरकार। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा कार्ती पर कार्रवाई लेकिन हम भूले नहीं है जय शाह का मुद्दा। मेघालय में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाएगी एनपीपी, 6 मार्च को होगा शपथ ग्रहण। एनपीपी ने राज्यपाल को 34 विधायकों का सौंपा समर्थन। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा समर्थन का आंकड़ा और ऊपर जाएगा। एनपीपी के कॉनराड संगमा का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय, राज्यपाल ने खारिज किया कांग्रेस का दावा। नागालैंड में नेफ्यू रियो के नेतृत्व में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन की बनेगी सरकार, 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह। त्रिपुरा में करारी हार के बाद माणिक सरकार ने सौंपा इस्तीफा, 8 मार्च को बीजेपी सरकार लेगी शपथ। एसपी और बीएसपी के करीब आने पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केला और बेर एक साथ नहीं हो सकते। आज लालू यादव की बेटी मीसा भारती की बटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, मीसा और पति शैलेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। अयोध्या डांडिया मंदिर में राष्ट्रीय गौ रक्षा सेना का नया कार्यक्रम सेल्फी विद प्रभु, श्रीराम का चलाया अभियान। दुर्गापुर में बीजेपी और तृणमूल समर्थकों में झड़प, 5 कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर। उत्तराखंड की रुड़की में बीजेपी पार्षद चंद्रप्रकाश बाटा की पिटाई, मेयर दृष्टपाल राणा और साथियों पर आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 1 आतंकवादी ढेर, 5 आम नागरिकों की गई जान। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव, सेना के मुताबिक मारे गए लोग थे आतंकी के 7 लोगों के मुताबिक 3 स्थानीय। सेना के ऑपरेशन के खिलाफ हुर्रियत ने बुलाया बंद, पूरे इलाके में इंटरनेट की स्पीड की गई कम।
गुजरात के मोरबी में संतुलन खोकर हाईवे पर पलटी कार, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के रायसेन में यात्री बस पलटी, दो की मौत 30 घायल। आईएनएक्स मीडिया केस में कार्ति चिदंबरम को मुंबई लेकर आई सीबीआई, पीटर इंद्राणी से कराया आमना सामना। कार्ति को पहले मुंबई के भाईखला जेल ले गई सीबीआई, इंद्राणी के आमने सामने बिठाकर हुई पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने कार्ति के सामने कहा, मैं तत्कालीन वित्त मंत्री के कहने पर अपने पति के साथ कार्ति से मिली। पीएनबी महाघोटाले में चार और गिरफ्तारियां, नीरव मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अधिकारियों से पूछताछ। इन अधिकारियों पर पीएनबी से लोन लेने के लिए फर्जी एलओयू बनाने का आरोप, सीबीआई करेगी पूछताछ। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में बीजेपी के पूर्व विधायक और उसके भाई पर महिला से छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित के मुताबिक अवैध निर्माण के मामले में ब्रह्म सिंह तंवर के खिलाफ दाखिल की थी याचिका, वापस लेने के लिए धमकी। दिल्ली के चितरंजन पार्क में युवक की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी की मदद से हथियारों की तलाश। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, मारा गया 50,000 का इनामी बदमाश। जेपी बिल्डर के डायरेक्टर समेत चार के खिलाफ केस, किसान की जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप। T20 ट्राई सीरीज के लिए कोलंबो पहुंची टीम इंडिया, 6 मार्च को भारत श्रीलंका के बीच पहला मुकाबला। डर्बन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया जीत से सिर्फ एक विकेट दूर, 417 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पहले टेस्ट के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने 293 रन पर खोए 9 विकेट। दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम ने खेली 143 रनों की पारी, 81 रन पर नाबाद है क्विन डीकॉक। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने 74 रन देकर झटके 4 विकेट, हेजलवुड ने किए 2 शिकार। मेक्सिको शूटिंग वर्ल्ड कप से एक और सुनहरी खबर, 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर को मिला गोल्ड मेडल। ऑस्कर अवार्ड के दौरान दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को दी गई श्रद्धांजलि। लॉस एंजलिस में 90वें एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड समारोह जारी, रेड कार्पेट पर सितारे। ऑस्कर के इतिहास में पहली बार ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस डैनियला वेगा बनी प्रेजेंटेटर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली पहली महिला रेशेल मॉरिसन। इस बार ऑस्कर के लिए 9 फिल्मों को नॉमिनेशन, ऑस्कर की रेस में नहीं है भारत। सीरिया में हवाई हमले की दहशत, पिछले 2 दिनों में घोटा से हजारों लोग फरार। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।